आगामी 12 से 18 नवंबर के बीच तीन चरणों में प्रदेश के चार जिलों में गांव का दंगल यानी पंचायत राज चुनाव है। चुनाव छोटे हैं लेकिन इसमें भाजपा के कई बड़े दिग्गज राजनेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं इन छोटे चुनावों की परिणाम ही तय करेंगे कि भाजपा की मिशन 2023 के लिए तैयारियों की वर्तमान में क्या स्थिति है। वहीं बात की जाए तो हाल ही में जब अमित शाह का जयपुर में दौरा होगा उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही इन चारों जिलों में पंचायत राज चुनाव को लेकर मतदान होगा। ऐसे में जो परिणाम आएगा उसमें यह भी साफ हो जाएगा कि अमित शाह की क्लास और जो संदेश यहाँ पर भाजपा के नेता और पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिया उसका कितना असर चुनाव की दृष्टि से यहाँ की भाजपा पर नजर आया। ये चुनाव प्रदेश के चार जिलों में होना है जिसमें करौली, बारा, श्रीगंगानगर और कोटा है। कोटा की यदि बात की जाए तो संसदीय क्षेत्र है ओम बिरला का, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी है। ऐसे में सीधे तौर पर उनकी प्रतिष्ठा इन चुनावों में दांव पर लगी रहेगी। इसके अलावा बात की जाए बारा की तो वहाँ से जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से सांसद है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह की, सीधे तौर पर उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। करौली से डॉक्टर राजौरिया जो कि भाजपा के सांसद है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी तरह गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो प्रदेश भाजपा के मुखिया है डॉक्टर सतीश पूनिया, जिनकी प्रतिष्ठा भी सीधे तौर पर इन छोटे चुनाव पर दांव पर लगी है, क्योंकि इन छोटे चुनाव के बाद ही होगा प्रदेश में साल 2023 में महासंग्राम जो कि विधानसभा का होगा। ऐसी स्थिति में आज की गई तैयारी, आज छोटे चुनाव में आए गए परिणाम ही बहुत कुछ तय करेंगे कि प्रदेश भाजपा की आने वाले बड़े चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही इन चारों जिलों में चुनाव की दृष्टि से पर्यवेक्षकों और प्रभारियों की तैनातगी कर दी है, लेकिन भाजपा का अभी पूरा फोकस अमित शाह के जयपुर दौरे पर टिका है और संभवतः उसके बाद ही इन चारों जिलों में जिस प्रकार से चुनाव तैयारी होना चाहिए उस पर तेज गति से काम हो पाएगा। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।